बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो हम लोग किसी की पॉलिसी से इत्तेफाक रख सकते हैं, पॉलिसी की बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी पॉलिसीज पे हम बात कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ और इस सब पे हम बात नहीं करते। जहां तक बात ये कि उनकी पॉलिसी मुझे कई एंगल पे गलत थी, कई एंगल पे सही थी। एक 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 किताब लिखी गई है 50 Shades of Grey। इस दुनिया में सब कुछ ब्लैक और व्हाइट में नहीं होता है, और साथ में ग्रे अगर रीजन है तो वो भी 50 Shades में है। परवेज मुशर्रफ वाज रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू करगिल वॉर। उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान कराया, इंडिया का, दोनों का नुकसान कराया। इन द एंड मिला किसी को कुछ नहीं, ना इंडिया की जमीन में इजाफा हुआ ना पाकिस्तान की में। पाकिस्तान के इतने सारे यंग लड़के मारे गए जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, इंडिया के भी यंग लड़के जो कि आर्मी में थे वो मारे गए। हमारी दोनों की कैजुअलिटी थी, दोनों के साथ प्रॉब्लम आई, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी जो पॉलिसी थी कि इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाने हैं, समझौता एक्सप्रेस चलाई गई उन्हीं के टर्नओवर में, मुनाबाव कोकरापार चलाई गई, एक लॉन्गेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लॉन्गेस्ट सीज फायर हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पे या बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जनरली वो उन्हीं के टाइम पे हुई। वो इंडिया के लिए एक बेटर एंगल जरूर रखते थे। खुद जाके वाजपेयी से हाथ मिलाया उन्होंने काठमांडू में सार्क के अधिवेशन शिखर सम्मेलन में। वाजपेयी जी की और उनकी पर्सनल कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने किया क्या था कि अपना एक प्राइम मिनिस्टर को भेज देते थे कि यार मैं प्रेसिडेंट हूं, आप दोनों प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर लो। ये उन्होंने ही हैड अ विजन इन हिज लेटर टेन्योर। और ये जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी जिनको बोलते, वो उन्हीं के खिलाफ थे, आर्मी के लोग उन्हीं के खिलाफ थे। उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुसाइड अटैक हुआ था। पहला, एक कार आके उनकी कार से टकराई, वो बची, ब्लास्ट हुआ, बच गए। दूसरी कार आके टकराई, वो उसमें ब्लास्ट में बचे। तीसरी कार स्टार्ट ही नहीं हो पाई, वरना उसमें बचना इम्पॉसिबल था। ये देख, उसमें पाकिस्तान की आर्मी के ही लोग पकड़े गए थे। तो ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने कंट्री को मैनेज किया। मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि इकोनॉमी उनके टेन्योर में पाकिस्तान IMF के पास बहुत कम गया, स्टार्टिंग में गया होगा, बाद में नहीं गया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट हुई। इन हार्डलाइनर्स को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की। लाल मस्जिद वाले मौलाना के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन उन्होंने ही कहा किया। हालांकि उस लाल मस्जिद वाले मौलाना के खिलाफ ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने बहुत टेरर अटैक्स झेले, लेकिन रहा ऑपरेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। लाल मस्जिद वाला मौलाना बुरका पहन के भागा था मस्जिद से। तो ये देखने वाली बात है कि वो हार्डलाइन टेररिस्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते थे। और हालांकि कश्मीर इशू पे उन्होंने जो भी किया बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं किया, इन द सेंस टेरर अपने हिसाब से चल रहा था जो चल रहा था। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे ना कि क्योंकि अभी मैं किसी की स्पेस में बैठी हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये खुद भी बड़ा मौलवी था और इसने, इसके होते हुए भी बड़े टेरर अटैक्स हुए हैं, एंड यू नो ही लुक्ड लाइक अ लिबरल, क्योंकि लिबरल्स को पसंद था, बिकॉज यू नो ही डिड मेरियत की सारी चीजें उसने बुरी की हैं उनके। उसमें आप देखो तो मीडिया को आजादी कितनी मिली, लड़कियों पे जो बहुत सारे हमारे लॉस थे उन पे बड़ी चेंजेस आई। सो आई डू सी अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दैट ही डिड डू फॉर पाकिस्तान, यू नो, जो पहले नहीं कर रही थी किसी ने भी। सो आई डू सी दैट, मगर एट द सेम टाइम फिर बलूचिस्तान की आप बात ले लो, राइट, तो उसमें कहा जाता है कि ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो बलोचियों को भी मरवाया और दूसरे भी नौजवानों को पाकिस्तान थ्रू आउट इन पे इल्जाम लगाया जाता है कि मरवाने का। Then we have the Benazir का इशू एक और वो खड़ा है मुद्दा कि उस पे भी वो होता है, you know? देखो, एक चीज, बेनजीर को मरवाया तो वो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे और पॉलिटिकल मर्डर साउथ एशिया में होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट अमेरिका और कनाडा और यूरोप जहां पे पॉलिटिकल मर्डर बहुत कम है, होते वहां पे भी लेकिन बहुत कम है, तो यहाँ इस एरिया में, रीजन में होते हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट मरवाया, ठीक है, वो किया, उसका केस होना था। अकबर मुफ्ती केस में उनको फांसी की सजा हुई, उनको नो डाउट,
वो भी बलूचिस्तान का गेम था। बलूचिस्तान को अकेले मुशर्रफ ने मारा, सबने मारा। ठीक है, अब जहां तक बात ये कि रेस्ट ऑफ द पॉलिसीज क्या थी, तो बोला जाता है कि वो कुछ, आज जैसे आपने भी मेंशन किया कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत हार्ड लाइनर थे। अब उनकी डेथ हो चुकी है तो मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा वो ड्रिंक करते थे। ठीक है, अब ऐसा मैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे या बद काम करते थे, बट ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर और ड्रिंक करते थे। तो कोई भी मौलाना या कोई भी आदमी जो कि बहुत बड़ा हार्ड लाइनर होगा, मुस्लिम हार्ड लाइनर होगा, वो ड्रिंक तो नहीं करेगा। ठीक है, देन उनको उनको रिलीजन से बहुत कम था हिसाब किताब उनका। उनका इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं कैसे अपनी कंट्री में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेटर करूं, कैसे अपनी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर करूं। और ये बात आज पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं। चुन के लेके आए थे शौकत अजीज नाम था उनका, शौकत अजीज नाम था शायद फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। ढूंढ के लाए थे अमेरिका से एक आदमी को, शौकत अजीज नाम था, अब काफी टाइम तक मैं भूल रहा हूँ उनका। उनको लेके आए थे अमेरिका से, अमेरिका में वो आदमी सेटल था, लेके आया और उनको पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब ये सारी चीजें समझने वाली बात है, दैट ही वाज वेरी सीरियस अबाउट रनिंग द कंट्री। वो सिर्फ पावर को एंजॉय नहीं कर रहे थे, एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग थे भी कितने। अब वो एक आदमी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो वो कहीं ना कहीं ये तो कमेंट आएगा उस आदमी में कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे सामने कोई कैसे बोल सकता है। ये हो सकता है आया हो, बट और मैंने आज तक जिंदगी में बेनजीर भुट्टो से बात की, मैंने नवाज शरीफ से बात की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी मुशर्रफ से बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट तो मैं इन सबसे कभी कभी बात कर रहा, लेकिन मुशर्रफ से मेरी कभी बात नहीं हुई। मुशर्रफ के जो पीए होते थे, मेजर जनरल राशिद कुरैशी, ही वॉज मुशर्रफ चीफ, मतलब स्टाफ में थे और बहुत ही करीबी थे, उनसे मेरी कभी बात हुई, लेकिन मुशर्रफ साहब से कभी नहीं हुई। तो यू कांट कॉल के मैं उनसे इन्फ्लुएंस था, मैं उनसे कभी इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन अगर आप पॉलिसीज देखें तो हिज पॉलिसीज वर वंडरफुल, और जो पॉलिसीज उन्होंने इंडिया के लिए रखी, मोनाबाव कोकरा पर पहली बार हिस्ट्री में शुरू हुई बस ट्रेन, सॉरी, और मुजफ्फराबाद यानी कि पाकिस्तान कश्मीर कैपिटल और श्रीनगर, ये बस खोलने के लिए हमेशा पाकिस्तान रिलेक्टेंट रहता था। क्यों रिलेक्टेंट रहता था? इसलिए उसे लगता था कि हमारे साइड ऑफ पाकिस्तान को पता चलेगा कि इंडियन साइड ऑफ हमारे साइड ऑफ कश्मीर को पता चलेगा कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में कितना डेवलपमेंट है, तो हमारी साइड ऑफ कश्मीर रिवोल्ट करेगा। और आज जो हम पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में रिवोल्ट देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि बस चल रही थी, वहां से लोग यहाँ आते थे, यहाँ से वहां जाते थे, वो आके देखते थे कि यार इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में तो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास है नहीं, वहां इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में ट्रेन चल रही है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में टूरिज्म है, और एक आदमी 5 कमरों के मकान में रह रहा है, यहाँ 1 कमरे के मकान में 5 आदमी रह रहे हैं। ये जो आज आप देखते हैं कि लोग बसेस पे खड़े होकर चीख रहे हैं आजादी पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में, ये उस बस का नतीजा है। उस बस से लोगों ने आके देखा और फिर कंपेयर किया कि यार पूरी आजादी है, यहाँ तो कोई रिलीजन के नाम पे एट्रोसिटी नहीं है। हाँ यू कैन, आज जो आपको वीडियोस देख रहे हैं कि मोदी जी आप मुझे हेल्प कीजिए, मुझे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में परेशान किया जा रहा है, ये उसी का, मुशर्रफ की पॉलिसी का नतीजा। सो दैट इज वाई आज पाकिस्तानी लोग इतने खुश भले ही ना हो, लेकिन इंडियंस ये बोल रहे हैं यस, उन्होंने अच्छा काम किया। तो ना, हमें एक और जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आई मैसेज एवरीबॉडी, मैंने कहा अगर आप आ सकते हो तो आप लोग आ जाओ। इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक एक तो नैरेटिव है, एक वो है कि जो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गई हूँ पाकिस्तान 2010 में, 9, 10 और 11 में। तो मैं हर साल जो गई हूँ ना, तो मैं जब वहां गई कराची में, तो कराची में जब मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि कराची में बड़ी चोरी चकारियां हो रही होती थी, तो मुझसे वो ये कहते थे कि मुशर्रफ के टाइम में इन चीजों पे कंट्रोल आ गया था। लॉट ऑफ देम लाइक जो मेरी बात हुई थी। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं फाखर यूसुफ जाए। तो मैं क्या क्या हेलो बोलूं, महालीज, थैंक यू वेरी मच बकर भाई फॉर नमस्कार, इनवाइटिंग, कैसे एंड हैं? रोहित भाई हेलो, हाउ आर यू, एंड गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू, बल्कि गुड मॉर्निंग टू महालीज। हाँ, मेरी तो अभी आफ्टरनून होने वाली है, मगर मैं सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई थी। सुबह सुबह मुझे 6 बजे, मैं आंख खुली है तो मैंने देखा न्यूज, और मुझे मैसेजेस आए हुए थे, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, मगर मेरी तो बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी मुशर्रफ के साथ इन 2008।
और इंडिया मीडिया ने भी बड़ा उस पे उठाया था उसको कि तो न्यूज ये बनी थी कि ये बलोच लड़की है मगर इसको मुशर्रफ की फैन है, तो वो मीडिया ने एकदम से उठाया, इंडियन मीडिया ने सबसे पहले उठाया उसको, और यहाँ पे लोग गुस्सा हो रहे थे, पाकिस्तान ये बलोच लड़की मुशर्रफ को सपोर्ट कर रही है, फिर वो इंडियन मीडिया ने आप उसके साथ शादी करना चाहिए, तो आई वॉज लाइक वेंट ऑन फॉर लाइक अ मंथ, इवन मुशर्रफ से भी स्टेटमेंट लेने की कोशिश की थी कि आप उससे शादी कर तो वो एक चीज मेरी वो चली, तो इट्स जस्ट लाइक आज मुझे लोग मैसेजेस कर रहे थे यू नो ही डाइड, तो इट जस्ट फील्स लाइक यू नो अ लिटिल बिट, आई एम लिटिल सैड, आई हैव नेवर मेट हिम, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं मिलूं, तो जब वो कनाडा आए थे तो मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त, तो फिर मैं हमेशा से कनाडा में ही हूँ, तो बट आप फाखर जी मैं आपसे भी यही पूछूंगी, आप उदास हैं या आप खुश हैं, क्योंकि आज दो पार्टीज हैं, एक पार्टी वो खुश है एक पार्टी उदास है। देखें, एज ए ह्यूमन मैं कहता हूं बिल्कुल अगर किसी के मरने पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एज ए डिक्टेटर उनका जो रोल था, और 2007 में मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट मैं भी उस जो जुडिशल एक्टिविज्म थी या फिर जो एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, तो आई वाज द पार्ट ऑफ दैट। मैंने कहा कि मैं इतना वो नहीं था, समझ नहीं थी मुझे, लेकिन मैं फिर भी उस मूवमेंट में हिस्सा लेता रहा हूं, और जो इमरजेंसी नाफिज की थी, तो उस चीज पे मुझे मुशरफ साहब से, अब तो खैर वो मरहूम हो गए हैं, लेट मुशरफ साहब हैं, बट उस चीजों से मुझे इख्तलाफ है, वो जनरल जिया की भी उन चीजों से मुझे है, और जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं मुझे उनसे है। बाकी एज ए ह्यूमन कोई भी हो, मुशरफ साहब हो या कोई और एक्स वाई जेड हो, मैं कहता हूं उसके ऊपर ये वाली कि यार बहुत अच्छा हो गया कि वो चले गए, नहीं यार, उन्होंने अपनी एक लाइफ थी या जो उनकी जिंदगी होती है वो जीनी होती है, और अच्छे से जिए, हाँ दूसरों को भी जीने दे, ये ज्यादा। और एक चीज मुझे थोड़ी सी एक और याद आ रही 2007 की ही, कि जब कराची में लॉयर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, और मुशरफ साहब ने यही डी चौक में, बल्कि आज सुबह ही मैं वहां गया हुआ था, वहां पे वो मुक्के लहराते थे, तो मुझे इस चीज की थोड़ी सी मतलब दुख होता है कि यार आप जब पावर में होते हैं तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, और आप समझते हैं कि शायद फॉर एवर ये सारी चीजें रहेंगी। हालांकि हमने बड़े बड़े रूलर्स दुनिया के देखे हैं, यूनाइटेड किंगडम से बड़ा जिसे कहते हैं कि शायद उनका जितनी दुनिया पे उनकी जिसे कहते हैं कि कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन आज कितना इतना सा यूनाइटेड किंगडम है। इन चीजों को थोड़ा सा करना हाँ चाहिए, बाकी कुछ अच्छी चीजें जो उन्होंने की, माली में अच्छी चीजें भी उनकी तरफ आऊंगा, नहीं वो मैं कहते अच्छी थे ना चीजें भी सन नेवर उनकी सेट्स काउंट ऑन द करूंगा। क्या था ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स, क्योंकि एक जगह पे उनकी होती थी हुकूमत दूसरी तरह से, हाँ तो वो तो है, मगर पावर बिल्कुल का नशा, पैसे का नशा तो आपको पता है ना, बिल्कुल। वो तो ऐसी चीज है कि वो और जो बड़ा से यूनिफॉर्म बड़ा पहना मजाक होता है उड़ाता उसका भी एक अलग से नशा होता है ना, तो वो चीजें मतलब एक तो ये कि उन्होंने प्राइवेट मीडिया बहुत ज्यादा बना के दिया पाकिस्तान में, ये मुशरफ साहब की हुकूमत में हुआ, मैं कहूंगा ये क्रेडिट उनको जाता है, प्राइवेट चैनल्स के लिए आने का ये बिल्कुल जाता है। हिंदुस्तान के साथ अभी भी ये बातें होती है कि काफी क्लोज चले गए थे, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था अगर वो कर जाते, गो के कारगिल भी उनके क्रेडिट पे आता है, लेकिन अगर ये हो जाता तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज थी, पाकिस्तान के लिए शायद बहुत अच्छा था, और बल्कि इस रीजन के लिए बहुत अच्छा था, अगर वो चीजें हम कश्मीर का डिस्प्यूट या कोई इस तरह की और चीजें हैं अगर सेटल डाउन हम कर लेते, तो मेरे ख्याल में आज जिस हालत से हम लोग गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान तो उस फेज से नहीं गुजर रहा, शायद वो गुजर चुका है पहले ही, लेकिन हम जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या और मसाइल हमारे हैं, तो आई थिंक सो कि ये अब ना हमें फेस करने पड़ते, हम शायद बेहतर सिचुएशन में होते, लेकिन अफसोस के वो चीजें उस वक्त भी नहीं हुई, उसके बाद हम सुनते हैं कि जी बाजवा साहब ने भी करने की कोशिश की, लेकिन आई डोंट नो कि अगर कोशिश की तो ये हुई क्यों नहीं, क्योंकि पावर तो इन लोगों के पास होती है, जो आर्मी चीफ भी होता है और जो मुल्क का प्रेसिडेंट भी होता है, मेरे ख्याल में उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि वो चीजें कर सकते हैं, और वो उनको क्लियर कट बता सकते हैं कि हाँ यार मैं आपके साथ इस लेवल पे जा सकता हूँ, और ये चीजें मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि ये नहीं होंगी, अगर आपके जो कंसर्न्स हैं ये हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, और आज हम उनकी डेथ के बाद फिर ये चीजें याद कर रहे हैं, और हम उनकी अच्छी चीजों के यकीनन उसका भी जिक्र कर रहे हैं, और जो उन्होंने अच्छा नहीं किया एज ए डिक्टेटर मैं कहूंगा, वो गालिबन सारी जिंदगी, और फिर सेठ वकार साहब ने जब उनको काबिज
कहा कि यार इनको हैंग किया जाए, इनको फांसी दी जाए पेशावर हाई कोर्ट के, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ऐसे लोग कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे इनको अलाव हो सब कुछ, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट उन्होंने एक फैसला दिया था, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने दिया था, आर्टिकल 6 था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा भला कहा गया। आसिफ गफूर साहब अभी भी हमारे फोर्सेस में मौजूद है, उन्होंने ये बात की नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, कौन सा किसी ने उनको वो कर देना था, मैं यही कहूंगा फैसला तो आ गया था, लेकिन उसके बाद जो हमारी अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, तो बस ठीक है, और बाकी जो उन्होंने अच्छा किया बिल्कुल हम उनको याद रखेंगे और याद रखना भी चाहिए। Okay, मेरा सवाल ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो डू यू थिंक दैट ही वाज बेटर देन अभी जो हमारे पास ये क्लाउन सिस्टम जो चल रहा है, नवाज शरीफ, पीपीपी एंड ऑल दीज यू नो पार्टीज दैट वी हैव, इन लोगों ने क्या इतना किया है पाकिस्तान के लिए? लाइक यू नो मीडिया की आजादी वाज अ ह्यूज थिंग, आई थिंक दैट होल थिंग ओपनड अप पाकिस्तान, उसका क्रेडिट तो देना चाहिए, यानी पहले कोई बोलने की आजादी नहीं होती थी, एंड देन फॉर वुमेन आल्सो यू नो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो औरतों के लिए भी, आई थिंक वो जो देयर इज लाइक यू नीड फोर विटनेसेस फॉर रेप, उसका भी उन्होंने वो हटाया था, एंड देन ही आल्सो मेड, क्योंकि उससे पहले भी आई डोंट नो किसने किया था कि नहीं, मगर मर्द औरत बाहर नहीं जा सकती, यू नीड टू शो योर पेपर्स एंड स्टफ, तो बहुत सारी चीजों में वैसे आगे प्रोग्रेस किया था, आई नो के दूसरी चीजें भी की गई, बट एज आई थिंक एज समबडी दैट वाज रूलिंग अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कोई भी हर चीज तो अच्छी नहीं करेगा, किसी ना किसी को जाकर हर्ट होना ही है, राइट? सो जी रोहित, देखिए टेन्योर, फिर मैं बोलूंगा ग्रे शेड्स होते हैं हर चीज में, ब्लैक और व्हाइट में हम हर चीज को नहीं देख सकते, कोई चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है आपके लिए खराब हो सकती है, बिल्कुल, एक रूलिंग एलीट को ये सोचना बहुत जरूरी होता है। अब आप, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ, एक नदी आ रही है जो कि पंजाब से आ रही है और सिंध में जा रही है, उसका ज्यादा पानी सिंध को दे दिया तो पंजाब के लिए खराब है, जबकि वो सिंध के लिए अच्छा है, वो ज्यादा पानी पंजाब को दे दिया तो वो सिंध के लिए खराब है, पंजाब के लिए अच्छा है, एंड आप एज अ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ये लेते हो कि किससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बेटर होगी, किससे हमारी फूड ग्रेन स्टोरेज अच्छी होगी, किससे हम फूड ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ये चीज हमेशा किसी भी डिसीजन से 100% लोग खुश नहीं होंगे। अब मैं उनके जनरल मुशर्रफ के डिसीजन के बारे में बात करता हूँ, अगर आप लें कि उनका विमेन के लिए जो स्टैंड था वो फकर भाई बता पाएंगे, मैं उसमें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जानता हूँ, इंटरनल उनकी पॉलिसी कैसी थी उसमें बहुत कम बता सकता हूँ। हाँ, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे ही हैड अ वंडरफुल व्यू, इनिशियली टेन्योर खराब था, वो चाहे वो नवाज शरीफ की प्रेसिडेंसी में रहो एज आर्मी चीफ या उसके इमीडिएटली बाद आगरा समिट तक, लेकिन आगरा समिट के बाद वो एक तरीके से ही चेंज हिमसेल्फ, एक यू टर्न लिया उन्होंने, फ्रॉम एन आर्मी चीफ ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, और उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस उन्होंने देखे खासतौर से अपने प्राइम मिनिस्टर जमाली के साथ, दे वर वंडरफुल, मतलब हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस चलाई, हम लोगों ने बीच में लिंक्स चलाए, हमारे हमारे बीच में हॉटलाइन लगी हमारे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के बीच में, और बहुत सारे स्टेप्स थे। आप सोचिए कि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद बस चली, मुनबा कोकर पार्क, हम लोगों का सर क्रीक में बातचीत आपस में शुरू हो गई, सर क्रीक में हमारी कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीजें शुरू हुई थी इकट्ठी, एंड मुशर्रफ वॉज रियली रियली जैसे बोलते हैं सीरियस अबाउट चेंजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर पे वॉज वेरी सीरियस, वो अगर 10 साल और रुक जाते तो कश्मीर सॉल्यूशन आ चुका होता, और वो एक मिलिट्री डिक्टेटर होने के बावजूद वो एक पॉलिटिशियन के एंगल से काम कर रहे थे, इनिशियली मिलिट्री डिक्टेटर वाला जैसे बोलते हैं जो आर्मी के लोगों में पाकिस्तान में और इंडिया में देखा जाता है कि एक वो होता है कि ईगो होती है कि हम नहीं सुनते, नहीं वी आर राइट, वो वाली कहानी नहीं रह गई थी बाद में, उनको बाद में समझ में आता था, और उनके एडवाइजर उस जमाने के वो भी बड़े समझदार थे, खासतौर से फकर भाई बताएंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर को लेके आए थे अमेरिका से, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उनका नाम शौकत अजीज। अब आप सोचिए शौकत अजीज जैसा आदमी वो लेके, उन्हें क्या मतलब था, अगर वो कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे थे तो उन्हें क्या मतलब था, शौकत अजीज बैठा रहता आर्मी गन के पॉइंट पर रूल कर लेती, नहीं, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमी, और मेरे एक दोस्त पाकिस्तानी दोस्त ने मुझे ये बताया कि देखो उस समय हम
आईएमएफ के पास भी कम गए। और दूसरी चीज, हमने साइकिल पे जो लोग चल रहे थे उन्हें हमने मोटरसाइकिल पे आते हुए देखा उस टाइम पे। तो आई थिंक हिज फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसीज वर गुड, इकोनॉमिक पॉलिसीज वर गुड। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ इंटरनल पाकिस्तान, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे ही हैड वंडरफुल विजन, और उस टाइम पे उन्होंने काम अच्छा किया था, मैं ये जरूर मानू। I think वो कोई लोन सिस्टम भी स्टार्ट किया था ना, where people could actually start getting loans and start getting bikes, और तो लोगों ने वो, तो मैं कहती हूँ जहाँ पर वो नहीं हुआ, you know, I understand के certain things, but there were good times. मैं खुद बता रही हूँ पाकिस्तान में जब मैं गई हूँ तो लोग मुझसे कहते थे कि उसका टाइम जो था it was better, चोरी चकारी कम थी, you know, the country was doing better. मुस्तफा कमाल ने उसके अंडर like he did a lot for Karachi at that time too. अब तो कराची की हालत देखें आप, like you can't even recognize the place. जी अच्छा, मैं थोड़ी सी एक दो चीजें बता दूं जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं। एक तो शौकत अजीज साहब को तो इंपोर्ट किया गया और उनको अटक से फिर जितवाया भी गया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मेरे ख्याल में ये चीज तो बिल्कुल मैं इसको वो नहीं कहूंगा, इसको अच्छा इसलिए नहीं कहूंगा कि क्या पाकिस्तान में लोग खत्म हो गए थे, क्योंकि वो शौकत अजीज साहब तो आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। जैसे ही उनका वो खत्म हो गया उसके अगले दिन फिर शौकत अजीज साहब को हमने नहीं देखा कि शौकत अजीज साहब थे कौन। ठीक है, एक चीज तो ये। फिर आपने कहा कि जी फाइनेंशियली पाकिस्तान की हालात अच्छे थे। सर वो इसलिए अच्छे थे कि 2001 में जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो उन लोगों ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी होगी कि 33 बिलियन यूएस डॉलर्स वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए, और पाकिस्तान के अंदर से जो नाटो के सप्लाई लाइन गुजरती थी तो उसके वो हमें अलग से पेमेंट करते थे, तो हमारे अच्छे खासे वारेन आ रहे थे उन दिनों में। ठीक है, आज अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है लेकिन हमने उससे पैसा कमाया, उस जंग से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल इसमें मैं कहूंगा कि बेहतर हुई थी। हमें लोन्स की जरूरत नहीं, अगर हमें लोन्स की रोहित साहब या माली जी अगर हमें जरूरत भी होती तो हमें पैसे देने थे अमेरिका ने। उसकी वजह ये थी क्योंकि अमेरिका के यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे अफगानिस्तान के अंदर, या नाटो फोर्सेस बैठी हुई थी, कम से कम मोर देन 50,000 लोग थे, उनका इतना कुछ था, तो वो कभी ऐसा ना करते कि पाकिस्तान की वो बात ना मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी उनकी वो हर बात भी मानी थी। गालिबन मुझे नाम भूल रहे हैं लेकिन कहते हैं कि क्लिंटन साहब ने, बुश साहब ने सॉरी वो किया था, जब कॉल की कहते हैं हमने कहा कि पांच चीजें हमने उनको बताई, हम समझे कि शायद एक या दो भी अगर ये मान जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो कहते पांच के पांच मान गए। तो ये चीजें जब आप ये करते हैं तो मेरे ख्याल में ये डिस्क्रेडिट करती हैं। सर हम जो मर्जी कह दें लेकिन आज वो जो गंध है जो जनरल जिया ने कायम किया था और मुशरफ ने, आज भी हम उसको भुगत रहे हैं, टीटीपी की सूरत में, अफगान तालिबान की सूरत में, और बहुत सारी सूरतों में हम उसको फेस कर रहे हैं। या नवाब अकबर खान भुगती साहब के साथ उन्होंने जो कुछ किया, तो मैं तो नहीं उसको सपोर्ट कर सकता कि मुशरफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने नवाब साहब को इस तरीके से असैसिनेट किया और उनको मार दिया, और फिर उनके जनाजे पे सिर्फ 5 FC के लोग उनका जनाजा पढ़ रहे, क्यों? ये चीज मेरे ख्याल में हम जो मर्जी कह दें, मुशरफ साहब को अपनी जान तो बहुत प्यारी थी, सब कुछ था, और वो जब उनको सेठ वकार साहब ने पांसी उनके ऊपर लिख दी आर्टिकल 6A के तहत, तो वो बड़ा मतलब गुस्से हुए, लिटरली उन्होंने गालियां दी। तो फिर बाकी लोगों के साथ भी सर आप वही करते जो आपका, आपके हाथ में पावर थी तो आप उसका इस्तेमाल सही करते। तो ये वो चीजें कि गालिबन ये सारी हिस्ट्री जब भी पाकिस्तान जब तक भी रहेगा या ये दुनिया जब तक रहेगी तो ये रहेंगी उनके साथ, और मुशरफ साहब का नाम इनके साथ आएगा। और मेरे ख्याल में ये जिसे कहते हैं कि बुरे लफ्जों में उनको याद किया जाएगा इन चीजों की वजह से। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी जिसकी वजह से आज भी हम वो मसाइल हम फेस कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी हालत खराब है। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल लोगों ने कोई खराबी नहीं की, सर मैं ना इमरान खान साहब का फैन हूँ, ना आसिफ अली जरदारी साहब का, और ना मियां नवाज शरीफ साहब का, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो भी होते हैं ना वो किसी न किसी तरीके से आपके मुल्क को चला लेते हैं। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल हम हर जगह देते हैं कि वहां पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी चली है। ठीक है, शुरू में हो सकते हैं आपके यहाँ भी वीक रही होगी डेमोक्रेसी, लेकिन आज आपकी डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल भाई अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में दी जाती कि यार लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। क्यों? अगर ऐसा ना होता और आप लोगों के पास भी कोई जनरल मुशरफ साहब जैसे या फिर जनरल जिया जैसे या फिर अयूब और या खान जैसे आए होते तो आप भी शायद वो जिसे कहते हैं ना आपकी कश्ती भी उसी तरीके से जिसे कहते हैं हचकोले खा रही होती जिस तरह आज हम कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा कि उनकी बड़ी मेहनत थी, उन्होंने ये इस लेवल पे हमें पहुंचाया। ठीक है, उस वक्त हमें फील नहीं हुआ,
डिक्टेटर की हुकूमत में जनरल जिया ने 11 साल किया, 11 साल में आज भी लोग कहते हैं कि जी घी और तेल का रेट जो 20 रुपए किलो या लीटर से नहीं बढ़ा, चीनी का रेट 5 या 4 रुपए से नहीं बढ़ा। सर उसको भी तो अमेरिका, क्योंकि सोवियत यूनियन को तोड़ना था उन्होंने, तो पैसे खुले हमें आते थे, तो जब भी आपके पास पैसे इस तरीके से आते अब नहीं आते। अब अमेरिका ना अफगानिस्तान में ना कहीं और है, वो कहता है भाई हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए तो हम अपने कंडीशन से देंगे, वरना ना ले आप हमसे। तो ये वो चीजें होती है, थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना बिटर रियलिटीज है कि ये हमें बात करनी पड़ती है जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और उनका 8 या 9 साल का दौर हम करते हैं, तो जहां पे उनकी अच्छी चीजें 2, 4, 6, 8, 10 होंगी। आपने खवातीन की बात की, एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने बिल्कुल काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुख्तारा माई का केस था, एक बड़ा जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके कवर हुआ, बिल्कुल उसमें भी उनका था, उन लोगों ने किया। और थोड़ा सा ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके ऊपर भी, क्योंकि उनके पास एक ताकत थी, अकेले एक तो आर्मी चीफ हुआ करते थे और दूसरा ये कि उनको किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, तो वो ये चीज करते थे। और मेरे ख्याल में कुछ अरसा उन्होंने तो कंट्रोल करके रखा, लेकिन जैसे ही वो गए तो उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल हुकूमतें आई या फिर हम अफगानिस्तान जंग में और कहां कहां फंसते रहे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो ग्रिप थी वो वहां से डीली हुई और आज हम उस चीजों को फेस कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैंने भी ये सुना था स्पेस में कि उनको स्टेट फ्यूनरल देने का प्लान किया गया है, लाइक ही विल बी बरीड इन पाकिस्तान, कुछ पता इसको, आपको कोई न्यूज आई इस पे? जी जी, डेड बॉडी सुबह एक एयर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज ने जाना है दुबई, और वहां से उनकी डेड बॉडी जो है बिल्कुल पाकिस्तान आएगी, लेकिन स्टेट फ्यूनरल की कोई बात नहीं हुई। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, फोर्सेस के आदमी थे और फौज के जो लोग होते हैं वो आपको पता है कि वो मरते दम तक, जब तक वो मतलब दफनाया नहीं जाता तो उस वक्त तक या उसके बाद भी उनकी फैमिलीज को पूछा जाता है। ये एक फौज का सिस्टम है, पाकिस्तान में भी है, शायद दुनिया और जगहों में भी होगा, लेकिन पाकिस्तान में खैर बहरहाल मुझे पता है यहाँ पे है। तो यकीनन जो फौज के लोग हैं ISPR और ये बाकी, तो मेरे ख्याल में वो करते हैं अपने, क्योंकि एक जनरल उनके रहे हैं या जो SSG को ये लीड करते रहे हैं, तो उस कोर के लोग या फिर जो इनके जूनियर्स रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो फौज का एक सिस्टम है, वो करते हैं। बाकी स्टेट फ्यूनरल का आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, मेरा नहीं ख्याल। डेड बॉडी आ जाएगी कल, आई होप सो कि कल इवनिंग तक, क्योंकि कल मॉर्निंग में प्लान जाएगा तो उसके शाम तक गालिबन वापसी हो जाएगी दुबई से। उसके बाद फिर तदफीन होगी कराची में उनकी, जनरल साहब की, उनके फादर की भी वहां पर है, मदर तो उनकी दुबई में है और मतलब वहां पे उनका तदफीन हुई है, लेकिन फादर उनके यहाँ कराची में। किन के फादर? मुशर्रफ के, जनरल मुशर्रफ के फादर तक जाना है? नहीं, तदफीन उनकी, मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो कब्र है। मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि ये जनरल मुशर्रफ को स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा कि नहीं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सर फॉर्मर प्रेसिडेंट है, लेकिन मैंने कहा ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ चल रही है, तो क्योंकि लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी जब डेथ हुई थी पिछले साल ही हुई थी, साल हुआ है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी स्टेट फ्यूनरल उनका नहीं हुआ था इस किस्म का। हालांकि उनकी कब्र भी सुना था कि पहले वहां पे बनवाई जा रही थी फैसल मॉस्क के अंदर, जहाँ पे जनरल जिया को दफन किया हुआ, तो खैर उसके बाद उनके फैमिली ने कहा कि नहीं यार हम यहाँ नहीं करवाना चाहते, जो हमारी इस्लामाबाद की ग्रेवयार्ड है, गालिबन मान लीजिए अगर इस्लामाबाद में आई हो तो शायद इन्होंने आते जाते में देखा होगा, H8 कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है, तो वहां पे उनको दफनाया गया। फिर नहीं, पर फिर ये अलग बात है क्योंकि वो कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड नहीं करते थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आई थिंक उसमें लिखा होता है कि स्टेट फ्यूनरल दिया ही जाएगा, चाहे उनपे 10 लेकिन ये तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आप बात कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो ये ना आए थे और ना ये गए। स्पेस में सुन रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि इसको स्टेट फ्यूनरल देने की बातें कर रहे हैं पार्टी वाले या कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं, सो दे वर ऑब्वियसली सेइंग, वो लोग कह रहे थे इसको ले जाके हैंग कर दो कहीं पे।
वो पहले ही मर गया है, अब उसको क्या हैंग करना है तुम नहीं नहीं उन्होंने कहा था कि अगर ये मर भी जाए, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में लिखा था पेशावर हाई कोर्ट ने कि अगर ये मर भी जाए तो आप इनको चौक में लटका दें। गालिबन ये इस तरह का शायद जनरल फेनोशे के साथ हुआ था, मैं कहीं पढ़ रहा था बहुत पहले, किसी मतलब किसी एक उसके साथ हुआ था, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, लेकिन वो कहते हैं कि शायद वहां पे किसी और कंट्री में इस तरह का कोई डिक्टेटर थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ हुआ था, तो वो तो फैसला उनका आया था ना हाईकोर्ट का, फिर उस हाईकोर्ट के फैसले को तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो वो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन जो बाकी चीजें तो मुझे नहीं लगता ठीक है, जो लोग उनका फ्यूनरल पे जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई किसी को पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी फैन फॉलोइंग होगी, एमक्यूएम के साथ उनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक रहा है, इसके साथ अलावा जो है चौधरी बरादरान जो है इनको बड़ी सपोर्ट इन्होंने की है, फवाद चौधरी और इस तरह के लोगों को उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को तो आई थिंक सो वो लोग जाएंगे। और वैसे पाकिस्तान में एक और ट्रेंड, सॉरी मैं बात मेरी लंबी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि अगर किसी बड़े आदमी का फादर या मदर की डेथ हो जाए तो वहां पे बहुत बड़ा फ्यूनरल होता है उनका, बहुत दुनिया आती है, लेकिन अगर वो बंदा खुद उसकी डेथ हो जाती है जो बड़े पोस्ट पे था तो फिर कोई नहीं आता, ये वैसे एक चीज है और पाकिस्तान के अंदर ये चीज होती है सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल या परसों जब इनका फ्यूनरल होगा आपको खुद नजर आ जाएगा। अच्छा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, चले तो आप बोले, मैं दोबारा से दिमाग घूमता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग भूल जाती हूँ। नवाज शरीफ कुड बी ब्लेम्ड ऑन हिज साइड ऑफ कारगिल, ये कारगिल की तो ऑब्वियसली वी नो दैट यू नो उसकी तो जिम्मेदारी, वी पुट इट ऑन हिम एंड स्टफ। हाँ मेरा ये सवाल था कि व्हाट वाज ही अफिलिएशन, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मुशर्रफ दिखने में तो बड़ा सेक्युलर थे मगर ऑब्वियसली ही वाज सपोर्टिंग जो जमातें हैं और यू नो जो यू कैन से जो कट्टरता दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट करता था, आपको दिखता ही है कि वो फिर लाल मस्जिद पे भी उन्होंने वो करा एंड ही वाज फाइटिंग यू नो द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये तो हम दुनिया को दिख रहा था, तो व्हाट इज द ट्रूथ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक फकर भाई बेटर बताएंगे। मैं अगर मेरी बात हो तो वो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उनके दौर में हुई मालिक की, उसकी वजह से हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। वॉर ऑन टेरर के हवाले से भी ये बात बिल्कुल की जाती है। लाल मस्जिद में मतलब पता नहीं आपने देखी हुई है कि नहीं देखी हुई, एक बड़ी मस्जिद है लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, पाकिस्तान इस्लामाबाद की शायद पहली मस्जिद थी जब इस्लामाबाद बना था, लेट 60s में बनी थी, तो वहाँ पे मतलब कितने लोग होंगे और उनके पास कितना वेपन होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के सेंटर में है, इर्द गिर्द जो है वो ISI हेडक्वार्टर से हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उस मास का, और उसके अंदर जो लोग थे उनके जो फादर हुआ करते थे नहीं अब्दुल्ला मुल्ला अब्दुल्ला, उनके भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सुनने में आता है कि जनरल ज़ियान साहब ने इनको लगवाया था यहाँ का इमाम, तो फिर खैर वो तो फिर काबिज हो गए और इतने ताकतवर हो गए कि फिर जी वो स्टेट को चैलेंज क्या करते थे, तो इस तरह की चीजें हुई या इससे रिलेटेड कुछ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान का जिस तरीके से मैंने आपको बताया कुछ ऑपरेशन उन्होंने ऐसे किए जिसकी वजह से वो मजीद कंट्रोवर्शियल बने। बहुत सारे लोगों को अमरीका को देने की बात जब की जाती है जिसमें मुला ज़ईफ भी शामिल है जो कैबिनेट मेंबर हुआ करते थे तालिबान के, और आज भी तालिबान उस बात को याद करते हैं कि यार वो जो भी थे लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो हमारे एम्बेसडर थे, किसी एम्बेसडर को आप पकड़ के किसी और कंट्री को नहीं दे सकते। गालिबन ये चीजें जो हमने की है और ये सारी की सारी जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब की दौर में हुई थी, तो इसकी वजह से वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बने थे। मैंने कहा ना कि जहां पे शायद जरूरत थी वहां पे उन्होंने नहीं किया और जहां जरूरत नहीं थी, जिस तरह लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद का मामला तो एक इस लेवल का था कि एक जो पुलिस स्टेशन होता है मेरे ख्याल में उस लेवल का मैटर था, ऐसा मैटर नहीं था कि उसके लिए आप SSG कमांडोज और 111 ब्रिगेड और पता नहीं किस किस को टैंक और तोपे वो लेके और वहां पे आप लगा दे इर्द गिर्द। तो ये चीज गालिबन मुशर्रफ साहब ने आई थिंक सो मैं आज भी कहता हूं, मैं उस वक्त भी कहता रहा हूं 2007 का वाकया है कि ये गलत किया था, और बाकी जहां तक उनके इंटरनल फीलिंग्स की बात है तो शायद वो हिंदुस्तान को टफ टाइम देने के लिए कश्मीर में उनके लिए मुश्किलें कड़ी करने के लिए शायद सपोर्ट होता रहा हो, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो खुद तो नहीं बनी थी,
उसको बनवाया गया था और एक सपोर्ट मिला करती थी, अब वो सपोर्ट उनको ये लोग भी नहीं करते, तो अब कश्मीर के अंदर उनकी जिसे कहते हैं कि प्रेजेंस भी उस तरीके से नहीं है और न उस तरीके से रेजिस्टेंस वहां पे हिंदुस्तान को मिल रही है। लाजमी सी बात है कि इन लोगों ने, उन्होंने भी हार्ट टाइट किया हिंदुस्तान की फौज ने, और यहां से पाकिस्तान ने सपोर्ट जब कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें जब कम हो गई, एक तरफ से ज्यादा हो गई और पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें डाउन होना शुरू हो गई और वो कमजोर हो गए। जी रोहित जी, कोई और सवाल है आपका? नहीं, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जनरल मुशर्रफ, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आए थे, मैं मान रहा हूँ इस बात को और इनकी बात में बहुत दम है, लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट को एक, जिसे बोलते हैं ना कि करगिल वॉर भी हुई थी या दूसरी वॉर भी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया ने पाकिस्तान के जो डेड बॉडीज थी उनको पूरी इज्जत से दी और पाकिस्तान ने इंडिया की जो डेड बॉडीज थी उनको पूरी इज्जत से दिया। मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है, तो उसको फिर पाकिस्तान के फ्लैग में या इंडिया के फ्लैग में लपेट के दिया जाता है और फुल फुल रिस्पेक्ट दी जाती। अब क्योंकि जनरल मुशर्रफ की डेथ हो चुकी है तो वो पुरानी कहानियां वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, ही इज नो मोर एन एनिमी टू एनीबॉडी। तो क्या गवर्नमेंट उसको एक्टिवेट करेगी गार्ड ऑफ ऑनर को और स्टेट फ्यूनरल को, या कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम है पॉलिटिकली, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है और वो चाहेंगे कि इस्लामाबाद ना आए या कहीं और ले जाएं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रोहित, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, इस किस्म की ना किसी ने बात की, क्यों बल्कि बाकायदा कहा गया कि भाई जो जो चीज़ें हैं वहाँ, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ अबूधाबी में या फिर हमारा दुबई में कौंसलेट है, तो उनको फॉरन ऑफिस ने कहा कि यार जो जो चीज़ें इनके डेड बॉडी लाने में है हेल्प चाहिए वो बिल्कुल आप करें। और उनकी वाइफ ने, सबा मुशर्रफ साहिबा ने, थोड़ी देर पहले, तकरीबन एक दो घंटे पहले मैं पढ़ रहा था, उनकी स्टेटमेंट आ रही थी कि बिल्कुल हमें प्रॉपर वो सारी चीजें मिल रही हैं। ये नहीं है कि कोई उनकी मतलब डेड बॉडी की कोई इंसल्ट करेगा। आई मीन टू से कि जो एज ए ह्यूमन या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उनकी ना तो सिटीजनशिप खत्म हुई है, ठीक है, वो रिटायर्ड जनरल साहब थे। मैं कह रहा हूँ कि जो उनका एक्ट था 1999 का, अक्टूबर 1999 का, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि उसको एज ए प्रेसिडेंट, बाकी एज ए उनका मैंने कहा प्रॉपर फ्यूनरल, क्योंकि वो तदफीन गालिबन कराची में खुद करना चाहते, किसी ने नहीं रोका उनको कि सर आप लाहौर लेके आना चाहते हैं, इस्लामाबाद लेके आना चाहते हैं, या कराची लेके आना चाहिए, या पिशावर या क्वेटा लेके आना चाहते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है ना हुकूमत के किसी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की कैंडल्स की ट्वीट आई है, मियां नवाज शरीफ साहब की, हालांकि इसी मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इस्लामाबाद से जो कराची लेके जा रहे थे तो बाकायदा जहाज के सीट के साथ इनको बांधा गया था, ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो उन सब ने कहा क्यों कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि यार जब एक इंसान मर जाता है, मुझे उसकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिसएग्री में कर सकता हूं, एज ए ह्यूमन बिल्कुल वो उनके लिए, मैंने गाइस मैं अभी वापस आ रही हूं, आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे आवाज नहीं आ रही, तो आई एम गोना जॉइन अगेन, एक सेकंड, ठीक है? वो बाकी मैं उनकी आइडियोलॉजी से या जो हिस्ट्री में उनका एक रोल था या है रहा है, मैं उससे इख्तिलाफ रखता हूँ और वो जेन्युइनली है, कोई उसका मेरी कोई उनसे पर्सनल कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि वो एक जनरल थे, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल फर्क है दोनों की फील्ड और उसमें, तो मेरा कोई उनके साथ ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन जो जो चीजें उन्होंने की उसके ऊपर मुझे था, मुझे है और मुझे रहेगा। जनरल ज़िया साहब के दौर में मैं बिल्कुल छोटा था, लेकिन आज भी मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ, तो मुझे उनकी उनकी चीजों से इख्तिलाफ है और वो सारी जिंदगी रहेगा। इसी तरीके से मुशर्रफ साहब के हवाले से भी, तो गालिबन ऐसी कोई मतलब उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि उनका फ्यूनरल कहां पे पढ़ा जाए, कौन कौन पढ़ना चाहता है, वो बुक्ती साहब के साथ मुशर्रफ साहब ने किया था, मुशर्रफ साहब के साथ ऐसा कोई नहीं कर रहा, वरना बुक्ती साहब की बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा ट्राइब है बुक्तीस का, ठीक है, और उसका जो पोता है शाहजैन बुक्ती, वो इस वक्त इस कैबिनेट का मेंबर है, बाकायदा मिनिस्टर की सीट पे वो बैठा हुआ है। तो ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की कि यार इनके मतलब कोई खुदा न खास्ते कोई इंसल्ट हो या कोई इस किस्म की, मेरा ख्याल ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, स्टेट फ्यूनरल की बात या फिर इस किस्म की चीज की, जी उनका फ्लैग में उनकी डेड बॉडी या उस, तो वो शायद इसीलिए नहीं हो सकता कि आप जिस कारगिल के जिन लोगों की बात करें सर, वो आपके हो या हमारे हो, वो अपने अपने कंट्री के लिए लड़ रहे थे, ठीक है,
या अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर अगर हमारे फोर्सेस के लोग होते हैं तो बिल्कुल उनके फ्लैग भी लगा होता है कब्र के ऊपर, और उनकी जो डेड बॉडी होती है पाकिस्तान के फ्लैग में जाती है। आप लोगों के अगर कोई फोर्सेस के लोग अगर कहीं पे वो किसी भी जगह पे, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कहीं पे भी उनकी मतलब जिसे कहते हैं कि डेथ होती है, तो बाकायदा एक तरीका का जो फौज का होता है उस तरीके से उनकी उनकी जो सारी चीजें होती हैं, आखिरी रसूमात होती है, जो तदफीन होती है, वो सारा कुछ किया जाता है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई और हो, अगर उसी आपके मतलब फौज का कोई आदमी और वो वहां से गया हो, या उसने कोई उस कानून या उस कायदे को तोड़ा हो, और उसके बाद वो कहते कि जी इसकी डेथ हो गई तो आप इसको इंडियन फ्लैग में वो लपेट के वो कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग या कोई भी कर सकता है। राइट right. अच्छा, ये बांध के ले जाया गया था, ये किसको, ये किसके लिए बोला था आपने? ये मियां नवाज शरीफ साहब को जब 1999 में इन्होंने टेक ओवर किया, उनको यहां से पकड़ कर ये कराची लेके जा रहे थे, क्योंकि वो लांडी जेल में थे बहुत अरसा, तो ब्यास की सीट के साथ बाकायदा इनको बांध के रखा गया था, और ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है कि ये मुशर्रफ साहब ने किया था। हालांकि जहाज से क्या वो छलांग मार के निकल जाते, वो बेचारे कहां जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मैं कहता हूं कि शायद एक इंसल्ट करनी होती है। आपके पास जब ताकत होती है तो आप समझते हैं कि शायद ये सारी जिंदगी रहेगी, वो नहीं रहती सारी जिंदगी, इसीलिए रिस्पेक्ट। अभी ये वाली गवर्नमेंट भी अगर इस किस्म की कोई चीज करती है, शेख रशीद साहब को हथकड़ियों में बांधा होता है या किसी और को, मैं उसको भी कहता हूं कि यार गलत है वो। कल अगर मैं कल वालों को गलत कहता था तो मैं आज वालों को भी गलत ही कहूंगा, ये नहीं है कि आज वाले सही और कल वाले गलत थे, या कल वाले सही थे और आज वाले गलत है, दोनों गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अगर ठीक है, आपने एक तो गलत काम किया और उसके बाद आप उसके साथ मजीद उसकी इंसल्ट करते हैं, फिर आप उसको एसएजी कमांडोज का जो एक अरेंजमेंट है अटक जो किला है वहां पर आपने उनको जिसे कहते हैं कि उनके एक बेसमेंट में बड़ा जिसे कहते हैं काल कोठली में डाला हुआ था, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है और वो चीजें फिर पलट कर भी आती। राइट अच्छा, अगर आप आज की डेट में देखें, काफी टाइम हो गया प्रेसिडेंट मुशर्रफ की इस टेन्योर को गए हुए, आज लोग पाकिस्तान के लोग, एक आम आदमी जिसको इससे मतलब नहीं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना नवाज शरीफ से कोई मतलब, ना जरदारी से कोई मतलब, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टेन्योर को कैसे देखता है? देखें, जिन लोगों को समझ आई है तो वो यही कहते हैं, स्पेशली वॉर ऑन टेरर के हवाले से बहुत सारे लोग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनको अच्छे अल्फाज से सर याद नहीं करते। मैं मानता हूं इस बात को, ये कोई ऐसी ढकी छुपी किसी से भी नहीं है, सब लोग ये बात क्लियरली करते हैं कि नहीं उनकी ये पॉलिसीज गलत थी, या जुडिशरी के साथ जो उन्होंने कुछ जो कुछ किया, या फिर वो जो कुछ मजीद करना चाहते, तो उस चीजों से इख्तलाफ है लोगों को। हाँ, मैंने कहा कि इकोनॉमी बेहतर थी, हमारे पास पैसा आ रहा था बाहर से तो हम खुशहाल थे, हमारे पास खाने को दाने भी थे, हमारे पास पेट्रोल की प्राइस भी कम थी। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में गालिबन 39 रुपीस का लीटर हुआ करता था पेट्रोल का, इस तरह की बाकी चीजें भी बड़ी स्टेबल थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। डॉलर के रेट जो थे वो भी मेरे ख्याल 65 to 70 रुपीस का एक डॉलर था, तो ये सारी चीजें बिल्कुल है, और वो मतलब कोई छुपा नहीं सकता कि अगर मैं कहूंगा नहीं ऐसा नहीं था, वो आप अभी गूगल करेंगे तो आपको आ जाएगा कि मुशर्रफ के दौर में क्या क्या चीजें, तो ये चीजें थी, ये बिल्कुल ये चीजें थी, हम मानते हैं इसको, ऐसा कोई वो नहीं था। लोगों की जिंदगियां बेहतर थी, लेकिन मैंने उसकी रीजन बता दी कि उस वक्त वो पैसा आ रहा था, अब वो पैसा नहीं आ रहा, तो फर्क है। अब इन लोगों को खुद करना पड़ेगा, अगर उस वक्त हम खुद कर लेते तो शायद आज हम ये दिन ना देखते, लेकिन उस वक्त हमने सोचा यार चलो मिल रहे हैं तो खाएंगे, फिर बाद में देखी जाएगी, तो आज हम देख रहे हैं। तो फाखर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल, एवरीथिंग, कर्जा, तो वेयर डू यू सी इट गोइंग? लाइक लॉट ऑफ पीपल आर प्रेडिक्टिंग कि अब कुछ नहीं रह गया, या तो आप पूरा मुल्क बेचेंगे अपना या उसके टुकड़े होंगे, एंड लाइक व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, इज किस तरीके से निकालेंगे इसको? ये देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है, मसला सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर विल कितनी है। हमारे अंदर अगर विल है तो हम इससे निकल सकते हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे जितने भी आज के भी मुल्क चलाने वाले लोग हैं, इनके पास असल पावर है, वो आज भी कुछ और सोचते हैं।
तो वो सोच जो है वो बड़ी डेंजरस है मेरे ख्याल में, उसको बदलना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी चादर कितनी है और हमारे पांव कहाँ तक जाते हैं, तो वो एक चीज तो सबसे पहले हमें ये बेसिक करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा कि यार हम कभी सऊदी अरब की तरफ देखेंगे, कभी यूएई की तरफ, कभी चीन की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ या किसी और एक्स वाई जेड की तरफ, कि यार वो हमें देगा और हम उससे अपना घर चलाएंगे। ये चीज मुकम्मल तौर पर हमें खत्म करनी पड़ेगी। अभी थोड़े हैं, ज्यादा हैं, हमें अपने खर्चे और अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि जी हमें तो महीने के जी 10 अरब डॉलर चाहिए होते तो हम कहीं से भी कर्ज लेके पूरा कर लेंगे। भाई एक महीना कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, साल कर लोगे, फिर आगे क्या करोगे? कहीं ना कहीं से तो हमने जीरो से स्टार्ट लेना है ना। वो तो अगर अगर आज हमें हम ले लेते हैं तो अगर ये लोग ये नहीं करेंगे तो अपनी नस्लों के लिए पैसे जमा कैसे करेंगे, फॉरेन में प्रॉपर्टीज कैसे लेंगे? लाइक वही तो है ना, वही मेंटेलिटी वही है ना, कि मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अब ये कितना और लूट सकते हैं पाकिस्तान में, कितना और बचा है कि वो लूट सकते हैं। बिकॉज मुझसे किसी ने इतना मानी बोला था पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है, कब से लुट बिल्कुल रहा है और लुटे ही जा रहा है, बड़ा पैसा है नहीं, ये पाकिस्तान। नहीं वाली, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इतनी लूट मार किसी और मुल्क के अंदर होती, मैं कहता हूं वो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रिजर्वायर्स हैं और सब कुछ है, अगर उनमें से कोई एक कंट्री होता जो पाकिस्तान के साथ किया गया लास्ट 75 ईयर्स से, अगर वो उनके साथ होता, और मैं कहता हूँ 75 ईयर नहीं, 40 to 50 ईयर्स, तो शायद वो खत्म हो चुके होते। तो पाकिस्तान वाकई बड़ा एक मजबूत मुल्क, मैं कहूंगा बड़ा मजबूत है, कि आज भी अगर आप अभी भी, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, किसी इस्लामाबाद के किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो आपको शायद टेबल ना मिले, इतना रश होता है। बल्कि उस दिन कुछ इंडियन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो कहती यार हमारे कंट्री में 1992 में इस तरह का हालत आया था, मतलब इस तरह का तो नहीं लेकिन ठीक है, मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर। कहती यार हमारा तो सब कुछ खाली होता था, तो आपके रोड्स पे तो आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और बड़ी, मतलब करोड़ों की जो एक एक गाड़ी आती है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की एक एक गाड़ी आती है, वो चल रही है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई बात यह है कि ये कुछ परसेंट लोगों की है, एक आम पाकिस्तानी जो है उसको रोटी चाहिए, उसको सर छुपाने के लिए छत चाहिए, उसको लाइट चाहिए, बिजली की मैं बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह की चीजें चाहिए। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि यार कौन रेंज रोवर में फिर रहा है, कौन ऑडी में फिर रहा है, कौन मर्सिडीज लेटेस्ट बेंज में फिर रहा है, उनका कंसर्न ये नहीं है। उनका कंसर्न ये कि यार मुझे कितना रिलीफ मिलता है, मुझे कितना फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ जिस तरह की आपने बताया कि इन लोगों की अपनी दौलत इतनी हो गई है कि ये मतलब लंदन के महंगे तरीन इलाकों में रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया की महंगे तरीन ब्रांड्स को जाके खरीदते हैं जो हजारों डॉलर्स में आती है। शायद आम पाकिस्तानी तो कभी पूरी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता कि यार इसमें से कोई एक चीज भी वो खरीद सकता है, लेकिन इन लोगों की अयाशियां चल रही हैं। वो हमारी कोई पार्टी पॉलिटिकल लोग, जरदारी साहब की बात करो, वो कहते हैं यार क्या हुआ अगर मैंने $3,000 का शूज पहना हुआ है, तो क्यों सबके नहीं हुआ बच्चे भाई? अफगान में पढ़ रहे हैं और वो वहां पाकिस्तान में रह के करेंसी एक्सचेंज करा के उस पे सपोर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग बदमाशी घूम रहे होते हैं। और नॉट ओनली लाइक ये पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अब आपने वो नहीं सुना था ये पता नहीं कौन सा बिजनेसमैन को, तो आप छोड़े वो जो जमींदार ठेकेदार बैठे हैं वहां पर, बिल्कुल वो सुना नहीं बिल्कुल था आपने, वो जो शादी हुई थी किसने हुआ थे तो पता नहीं गोल्ड का ये था तो गोल्ड का वो था, बिल्कुल, यानी लोग वहां भूखे मरे जा रहे हैं और इन लोगों की शोषा और ये चीजें नहीं खत्म होती। और तो नहीं इट्स खत्म जस्ट, होनी। और वो किससे लूट रहे होते हैं, वो जमींदार, वो बेचारे गरीब जो होते हैं उनका लूट लूट के खा रहे होते हैं। सो बिल्कुल दैट्स द थिंग ना, कि खाने के लिए तो ऊपर से नीचे तक लोग बैठे, अब कहाँ कहाँ से आप सही करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, वी जस्ट डोंट नो। देखें माली जी, अब मतलब रोहित भाई भी बैठे हुए, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब तक हम ऊपर से ये नहीं सोचेंगे ना कि फ्रॉम द टॉप हमारी हुकूमत के जो लोग या जिनके पास पावर है वो कहें कि यार मैं अपने से शुरू करूंगा या करूंगी, तो तब होगा। अगर ये कहेंगे कि नहीं जी क्या करना है, IMF वाले आ गए, उन्होंने नई कंडीशंस लगा दी, बस वो सारी उठा के और जो 95% जनता है पाकिस्तान की इनके सर पे थोप दो, ये तो सबसे आसान काम है। ये तो आप भी कर सकती हैं, रोहित जी भी कर सकते हैं, फखर यूसुफजई भी कर सकते हैं, कि अपने सर से उतारो और इनके सर पे लगाओ। अब जिनको टैक्स देना है मालिज, वो नहीं टैक्स देते, लेकिन एक आम पाकिस्तानी बेचारा अगर, जिसे कहते हैं कि 10 रुपए की कोई चीज ले रहा, साशे ले रहा अगर शैंपू की, उसके ऊपर भी वो सेल्स टैक्स पे कर रहा है 17-18%, लेकिन एक बड़ा जो उस कंपनी का मालिक है वो नहीं पे कर रहा।
वो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करता है कि अरबों रुपए का टैक्स वो खा जाता है हर साल, ठीक है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि लाजमी सी बात है उनके वो कोई अकेला नहीं खा रहा होता, उनके साथ और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। फिर आपने बहुत बड़े बड़े फ्यूडल्स की बात की जिनकी अरबों करबों में इनकम है एनुअली, लेकिन वो कहते हैं भाई हम क्यों टैक्स देंगे, हमें आप सिर्फ बस सपोर्ट करें। अच्छा, फिर जो टेक्सटाइल के मालिकान हैं वो कहते हैं आप हमें जी कम पैसों पे बिजली दें, महंगी एलएनजी खरीदें हमें कम पैसों में दें, हम आपको जी एक्सपोर्ट करके देते। तो वो एक्सपोर्ट जितने पैसों की हमें देते हैं उससे ज्यादा की एलएनजी हमारी वो कहा जाते हैं, वो बोझ भी हम जैसे हम पाकिस्तानियों को उठाना पड़ता है। तो ये चीजें जब तक फ्रॉम द टॉप नहीं सही होंगी, एक आम पाकिस्तानी तो ये नहीं कहता कि जी मैं टैक्स नहीं दूंगा, अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा तो मैं सेल्स टैक्स नहीं दूंगा, वो तो पहले उसके जेब में से निकाला जाता है। लेकिन जो असल लोग हैं क्या वो दे रहे हैं, वो कहते हैं यार हम पे तो टैक्स नहीं। वो तो अगर टूल टैक्स के लिए भी उन्होंने एक लॉ पास किया है पार्लियामेंटेरियंस के लिए अभी इसी साल, सॉरी लास्ट ईयर में, कि भाई पार्लियामेंटेरियन की गाड़ी किसी भी टूल प्लाजे से गुजरेगी तो वो टोल टैक्स जो है वो नहीं देंगे। यार क्यों नहीं देंगे, क्या वजह है कि वो अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ की गाड़ी में वो फिर सकता है और 500 रुपए का टोल टैक्स देते हुए उसको मौत पड़ती है। तो ये अगर शर्मनाक किस्म की चीजें नहीं खत्म करेंगे तो फिर हालत तो नहीं अच्छी हो सकती। हम कहेंगे जी श्रीलंका श्रीलंका बेहतर हो जाएगा, अफगानिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, नहीं होंगे तो हम नहीं। अगर कोई सेंसेबल और सही बंदा करप्ट जो नहीं करप्ट है वो आ भी जाता है तो उसको नहीं रहने देंगे ना, क्योंकि जो पीच है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, जो पैसे लगाते हैं इनके पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो भी नहीं जाते ना, क्योंकि अगर कोई सही बंदा आ जाएगा तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, फिर तो वो कहाँ से करप्शन करेंगे। इट्स लाइक अ वेब, यू आर स्टक, किसी को ये करने भी नहीं देंगे कोई अच्छा काम, मुझे तो नहीं लगता। मैं सिर्फ पाकिस्तान की उसमें ही नहीं बात कर रही हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना टैक्स सिस्टम एंड ऑल दिस, यहाँ पे भी लूप होल्स ऐसे बनाए हैं इन लोगों ने, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है एंड ऑल दीस पीपल, दे कैन गेट अवे विद पेइंग नो टैक्सेस, मगर मेरे टैक्सेस अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, मेरी लाइफ पूरी वो कर देते हैं, राइट? सो दिस इज, आई थिंक दिस इज जस्ट ड्रेडी पॉलिटिक्स, जब ही तो कहते हैं इसको ड्रेडी पॉलिटिक्स। जी रोहित जी, कुछ आपने और कहा, देन आई विल कंक्लूड। रोहित से मुझसे पूछ नहीं, मैंने कहा वी आर गोना कंक्लूड, कुछ आप कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है सारा आप टेन्योर्स, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ, मैं कह रहा था कि टेन्योर सबके कहीं ना कहीं फॉल्टी रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की जब बात करते हैं तो मुशर्रफ साहब का टेन्योर वाज फार बेटर। आप एक 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 कंट्री के प्रेसिडेंट को या एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को का के टेन्योर का असेसमेंट ही इस चीज पे होता है कि उसकी अपनी लोकल पॉपुलेशन कितनी खुश थी, इस पे कभी नहीं होता कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस वर एट देयर बेस्ट ड्यूरिंग मुशर्रफ टेन्योर। अब इंटरनल पे आपने मुख्तार माई का नाम लिया तो एक स्टेटमेंट मुख्तार माई का ये भी था कि मुशर्रफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ का, कि गेट योरसेल्फ रेप्ड एंड गो अब्रॉड। तो मैं अगर इस पे ना जाऊं और उस पे ना जाऊं, क्या शौकत तरीन को लाना या सॉरी शौकत अजीज को लाना या इकोनॉमी की ओर ध्यान देना उस टाइम पे बेटर नहीं हो रहा था? उसके बाद की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये तो पक्का है, लेकिन क्या उस टाइम पे बेटर काम चल रहा था सोसाइटी पे? सिक्योरिटी अगर लें तो यू कैन टेक इट, सिक्योरिटी एक एंगल से भी ले लीजिएगा, मैं इकोनॉमी पर बात कर रहा हूँ, क्या उस टाइम बेटर काम नहीं हो रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड भी शायद उसी टाइम पे शुरू हुआ था? अरुण जी, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के रिजीम में ही हमारे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत स्पीड से स्टार्ट हुआ 2004 फ्रॉम सवात, 2005-06 फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान, ठीक है, ये मुशर्रफ साहब की, और 2007 में वो बिल्कुल ऐसा इस लेवल पे पहुंच गया कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 3-4-5-6-7 सुसाइड अटैक्स हुआ करती थी, ये चीजें। फिर आप इकोनॉमी की बात करें, मैं कह रहा हूं कि ये लोग क्या करते हैं, मुसीबत ये है कि जिस वक्त 1999 में मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो क्या उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ अच्छे नहीं थे? कारगिल का मसला किया किसने और सॉर्ट आउट किसने किया? इन्हीं पॉलिटिकल लोगों ने किया ना, मैं ये नहीं कहता, उन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है,
उसकी वजह ये होती है कि उनके सामने एक तो पूरा पार्लियामेंट आपके बेशक कमजोर से कमजोर पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वहां 10 बंदे आपसे पूछेंगे कि भाई ये वाली जो चीज आपने की है कैसे की है। आपकी पार्लियामेंट में होता है, हमारे पार्लियामेंट में होता है, किसी और दुनिया के पार्लियामेंट में होता है, लेकिन मुशर्रफ साहब से तो ये बात नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि वो तो ताल्लुक ही इस चीज से नहीं था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उनको ना हटाया जाता तो शायद हमारे हालात बेहतर होते, अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को रहने दिया जाता तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या एक्स वाई जेड जो भी आता तो बड़ा कोई बहुत ही मतलब आसमान से तारे तोड़ कर ले आता, लेकिन जब आपकी एक रेगुलर बेसिस पे डेमोक्रेसी चल रही होती है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता से हालात बेहतर हो जाते हैं, लोगों के अंदर भी मेच्योरिटी आती है। सिर्फ वक्ती तौर पर 8 साल मेरे हालात अच्छे हुए, 8 साल के बाद क्यों खराब हो गए? क्या किसी ने मुशर्रफ साहब के पास कोई मतलब बटन था या फिर किसी और ने कोई वहां पे बम फोड़ दिया कि वो सारे हालात जो उन्होंने अच्छे किए थे वो खराब हो गए? एक सवाल ये है, अगर हालात आपकी एक पॉलिसी अच्छी चल रही होती है और उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाए, लेकिन हमारे हाथ तो ये मुसीबत ये है कि ये पॉलिसी रही है कि अभी अगर 3 साल कोई एक प्राइम मिनिस्टर रहता है तो 4th साल किसी न किसी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि नहीं ये इसको तो हटाना है हमने। ये मसला सबसे बड़ा ये है, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात शायद नवाज शरीफ जितने बेहतर कर सकते हैं, मैं कहता हूं मुशर्रफ नहीं कर सकते, लेकिन मुशर्रफ को किसी से नहीं पूछना पड़ता मुशर्रफ का, क्योंकि वो फौज का आदमी था तो फौज के अंदर उसको ये चीज नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो थे अगर वो कोई ऐसी बात करते थे तो कभी डॉन लीक्स में फंसाया गया और कभी उनको किस केस में उनको फॉर एवर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। मतलब ये कोई कहीं पे हुआ है, इस तरह की चीज कहीं पे हुई है? 11 साल जेल काटी आसिफ अली जरदारी साहब ने। मैं कहता हूं कि मैं उनकी ना पार्टी को सपोर्ट करता हूं ना कुछ और, लेकिन द थिंग इज जो चीजें गलत की गई उसको मुझे गलत कहना है, एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको यहां पे अगर कवर करता हूं तो मुझे उस पर बात करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर मुशर्रफ साहब इतने अच्छे थे तो फिर सारी चीजें सही हो जानी चाहिए थी, और मैं कहता हूं फिर मुशर्रफ 8 साल के 800 साल हमारे यहां रहते, फिर मुशर्रफ साहब जिस वक्त जा रहे थे तो कियानी साहब को चड़ी देके चले जाते, कहते भाई आप जिस तरह सऊदी अरेबिया में होता है ना, उनके फादर है MBS अभी तैयार बैठे हुए, जैसे ही उनके फादर आगे पीछे हो जाएंगे MBS आ जाएंगे। तो अगर इस तरह की किंगडम ही चलानी और इस तरह के मुल्क चल सकते थे तो फिर ये चीज हो सकती। मैं कहता हूं हमें 33 ईयर्स जितनी डिक्टेटरशिप ने हमें बेड़ागर करके रखा हुआ है, पॉलिटिकल लोगों ने शायद उतना नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल लोगों ने गलतियां नहीं की, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के सर के ऊपर जो इनका डंडा होता है कि वो कहते हैं कि वो करो जो हम आपको कहते हैं। जब ये इंडियन या अफगानिस्तान पॉलिसी के ऊपर बात करते कहते अच्छा तुम तो गद्दार हो गए, तुम ये कहते हो कि यार मुझे तो नरेंद्र मोदी साहब से दोस्ती करनी है या नरेंद्र मोदी साहब के साथ मुझे मिलना है। कहते क्यों भाई ये कैसे हो सकता है? मुशर्रफ साहब वो कर रहे थे बिल्कुल सही था, किसी ने चू नहीं की ना, लेकिन जब वही नवाज शरीफ कर रहे थे तो आज इमरान खान साहब कहते जो मोदी का जो यार है गद्दार है, अमरीका का जो यार है गद्दार है, क्यों? ये जो मेंटालिटी है ना ये हमें खराब कर रही है। रोहित जी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे नहीं जी सारी जिंदगी तो मैं हिंदुस्तान से बात नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि सारी जिंदगी हिंदुस्तान के साथ कट ऑफ करके रखे। ना अफगानिस्तान के बगैर रह सकते हैं, ना ईरान के बगैर रह सकते हैं, ना हिंदुस्तान चीन जितने भी हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है सबके साथ हमें बना के अच्छे से रखनी पड़ेगी। वो हमारे लिए बेहतर है, शायद उनके लिए इतना बेहतर ना हो जितने हमारे लिए बेहतर, तो ये चीज करनी पड़ेगी। हाँ पॉलिसी में जो ब्रीचेज आते हैं उसकी वजह से हमारे हालात खराब होते हैं, वो करना पड़ेगा, वो इस हुकूमत को हो या इसके बाद वाली किसी की हुकूमत आती है वो करना पड़ेगा। ये ईगोज जो है ना इसको घर में ये छोड़ के आ जाए, हमारे जनरल साहिबान हो या फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हो सबको ईगोज अपने घर रखने चाहिए और फिर उसके बाद आके पार्लियामेंट में या फिर जहां जहां पे भी बैठे होते हैं वो अपने काम करने चाहिए। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो कि अब पाकिस्तान कंट्री से बाहर है, उनका नाम मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन उनकी लोकेशन बता देता हूँ, नीदरलैंड्स में है जी। और अब आपको समझ में आ गया कौन है वो। सुबह से मुशर्रफ साहब को गाली दे रहे हैं अपने ट्विटर पे, अब मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता उसको ट्रांसलेट करके देखता हूँ तो एक गाली और होती है उसमें। सुबह से उन्होंने इतने ट्वीट किए हैं जितने उन्होंने अपनी बीवी को लव लेटर नहीं लिखे होंगे, मतलब सुबह से ट्वीट करे जा रहे हैं और गाली दिए जा रहे हैं। तो मैं ये सुनना चाहिए, मैं समझना चाह रहा था कि ये तो बाहर बैठे हैं और इनकी कोई दुश्मनी नहीं, ये उस समय निकले पाकिस्तान से जब मुशर्रफ थे नहीं, तो ये मुशर्रफ के खिलाफ क्यों बोल रहे? तो आपके इस पूरे नैरेटिव के बाद जो आपने मुझे कहानी बताई उसके बाद मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो था, नो डाउट अबाउट इट।
ये चीजें थी और ये हैं जिसकी वजह से लोगों को, मैंने आपको बताया ना कि भुक्ती कबीले के लोग नवाब अकबर खान भुक्ती को किस तरीके से बोलेंगे कि यार क्यों किया गया, एक बात है ना। इस तरीके से और बहुत सारे इंसिडेंट हुए, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा वाले काउंट करने शुरू कर दें तो शायद अगर हजारों नहीं बनते तो 100 ऑफ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए जो गलत उनके साथ ज्यादती हुई उन लोगों के साथ। तो ये चीजें तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि हम ये ऐसे बाबर नहीं। जी जो बुक्ती जी का जो केस हुआ था, तो इसपे एक नैरेटिव ये भी था कि जो बुक्ती जो थे वो खुद भी कौन से बड़े, हम यहाँ पे इसी वजह से तो बैठे हैं कि हम अच्छे काम करें, मगर हमें भी गालियां पड़ती हैं फिर भी हमें कोई ना कोई गाली दे ही रहा होगा है, खबीस लोग थे वो यूं करते थे आप बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे होंगे है ना रोहित जी देखिए, गाली तो पड़ेगी, गाली जो भी काम कीजिए गाली तो पड़ेगी, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं एक खबर देना चाहूंगा फकर साहब को कि एक डेवलपमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है वो ये है कि खबर आई है कि 8.75 बिलियन डॉलर्स का पैकेज पाकिस्तान को मिलने वाला है चाइना की तरफ से, एज सुन एज पाकिस्तान और IMF की टॉक्स जो है ये फाइनलाइज हो जाती है। तो दैट मीन्स 7 बिलियन डॉलर्स के आसपास IMF से, और 8 दैट मीन्स स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, इस तरफ खर्चा निकल जाना चाहिए पाकिस्तान का। नहीं, वो तो निकल जाएगा लेकिन थर्सडे तक क्लियर हो जाएगा, जो IMF ने कंडीशंस लगाई हैं रोजी काफी टाइट हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान के पास खैर उसको मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को उनको मानना है। और वो यहीं पे इसलिए उनका डेलीगेशन बैठा हुआ है 9th फरवरी तक कि वो सारी चीजें करवा कर इनसे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे और आप लोगों को फिर गालिबन 3 वीक्स में जो अमाउंट है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। आई होप सो कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम अगर इस चीज से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे कि IMF, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया या XYZ, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आज भी यही है और कल भी यही था और आइंदा जो नेक्स्ट कल आ रहा है उसमें भी फिर हम यही सोच के बैठे हुए हैं कि IMF इतना देगा और वो इतना देगा, वो इतना देगा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अब जो हालात हमने अभी जो इस मतलब 1-2 सालों में देखे, मेरे ख्याल ये चीजें चलना बहुत मुश्किल है। बट डोंट यू थिंक कि चाइना जो इतनी हेल्प कर रहा है और अगर पे ऑफ नहीं किया गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? तो चाइना देखिए तो ये बेसिकली चाइना, खरीद ही रहा है पाकिस्तान को ऐसा ऐसा करके, दे आर गोइंग टू टेक ओवर इवेंचुअली, अगर आप पे बैक नहीं करोगे तो आप क्या करोगे फिर, आप बेचोगे ना अपने मुल्क को? नहीं, चाइना की कंडीशंस IMF से भी ज्यादा टाइट होती हैं। 10% अभी जब IMF के साथ डायलॉग शुरू नहीं हुए थे तो उन दिनों में मैं एक स्टोरी कवर कर रहा था तो वहां पे बात हो रही थी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में कि वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको IMF के अलावा भी पैसे दे देंगे लेकिन उसके लिए 10% वो इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं, जो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। यानी उसमें बेहतर ये कि वो पैसे ना दें, मतलब मैं ये कहता हूं। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो पहले ही मतलब वो जिस तरह वो जनरल मोबीन साहब की वीडियो आती है कहते हैं यहाँ यहाँ तक कर्जों में डूबे हुए हो वो यहाँ अफगानिस्तान तक वाले क्या, अब तो आप लोग डूब गए हो, अब तो नहीं, ऊपर से यहाँ तक नीचे वो इसलिए कहते हैं कि जब रहेंगे। आप यहाँ तक माली, जब आप यहाँ तक कभी पानी में होते हैं ना तो मतलब आप यू कैन नॉट ब्रीथ ना, तो इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ तक डूबे हुए ना, इससे ऊपर अगर आप ना भी हो तो क्योंकि आपको सांस ही नहीं आ रहा होता इसलिए बड़ा मुश्किल होता है, ये इसलिए वो कह रहे थे। नहीं वो इट्स या इट्स अनफॉर्चुनेट, देखते हैं फिर क्या होता है, मगर थैंक यू गाइस सो मच, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, वाज वेरी नाइस टू हैव यू बोथ हियर, वी शुड डू मोर ऑफ दीस मोर ऑफ्टन। सबको मैंने तारिक फतेह को भी मैसेज किया था बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज बिजी, तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी इसी तरह से गेस्ट वगैरह को बुलाऊंगी ऑन डिफरेंट टॉपिक, सो वी शुड डेफिनेटली गेट टुगेदर एंड डू दिस, दिस वाज फन, थैंक यू वेरी मच मालिश, बहुत थैंक यू शुक्रिया, जल्दी, थैंक यू, टेक केयर गाइस, थैंक यू बाय। सो मच, सब टेक केयर, ओके बाय। ओके आई जस्ट वांट टू थैंक फाखर एंड रोहित कि इन्होंने हमको इतना टाइम दिया, आई विल गिव यू गाइस के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।